हल्द्वानी में नगर निगम द्वारा मदरसे और नमाज के लिए बन रही कथित अवैध इमारत पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद हिंसा भड़की थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए गए। इसमें से एक ये भी दावा चलाया गया कि हल्द्वानी में मुस्लिम समुदाय की आबादी 20 साल पहले 1000 से कम थी, जो अब 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है। राइट विंग अकाउंट बाबा बनारस ने इस ट्वीट में ऐसा ही दावा किया। वहीं और भी कई यूजर्स इस तरह का दावा कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस दावे की असलियत हमारी इस वीडियो रिपोर्ट में। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दावों के साथ शेयर किए जा रहे वीडियोस की। हमने पाया कि पहला वीडियो हल्द्वानी की हालिया हिंसा से ही जुड़ा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने भी इसे चलाया है। हालांकि दूसरे वीडियो का हल्द्वानी से कोई लेना देना नहीं है। ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये वीडियो ज्वालापुर में 2 साल पहले ईद पर पढ़ी जाने वाली नमाज के बाद के दृश्य है। अब बात करते हैं वीडियो के साथ किए जाने वाले दावे की। धर्म के आधार पर उत्तराखंड में मुसलमानों की आबादी का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने साल 2001 का सेंसस डाटा चेक किया। उस वक्त हल्द्वानी की कुल आबादी 4,97,869 थी, जिसमें से 80,436 मुस्लिम थे। इस तरह 2001 में हल्द्वानी में मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 16.15% थी। साल 2011 में उत्तराखंड की कुल आबादी भी कम हुई थी और मुस्लिम समुदाय की आबादी में भी घटोतरी हुई थी, लेकिन कुल जनसंख्या में मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 18.55% थी और प्रतिशत के हिसाब से पिछले दशक के मुकाबले बढ़ोतरी हुई, क्योंकि राज्य की कुल आबादी में घटोतरी हुई थी। साल 2021 में भारत सरकार द्वारा जनगणना ये वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक नहीं करवाई गई है, इसलिए हल्द्वानी में मुस्लिम समुदाय की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ने का दावा भ्रामक और बेबुनियाद है। और तो और 20 साल पहले हल्द्वानी में मुस्लिम समुदाय कुल आबादी का 1% था, ये दावा भी गलत साबित हुआ।